आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे घर की रसोई में आपका स्वागत है। होली आने वाली है तो सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली में तरह तरह के हम लोग व्यंजन बनाते हैं, पर व्यंजनों का स्वाद जो बढ़ाता है, उन्हें चटपटा बनाता है, वह मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए बनाते हैं चाट मसाला। तो हमने चाट मसाला के लिए यहाँ पे कुछ सामान लिए हैं। हमने लिया है यहाँ पे 4 चम्मच धनिया, ये लाल मिर्ची 7-6, आप अपने तीखे के अनुसार आप 7 भी ले सकती हैं, 8 भी ले सकती हैं, 10 भी ले सकती हैं। और 2 चम्मच हमने यहाँ पे काली मिर्च लिए हैं, 2 चम्मच जीरा, हींग 1/2 चम्मच, सादा नमक 1 चम्मच, काला नमक हमने 2 चम्मच, आमचूर पाउडर 2 चम्मच, अजवाइन हमने 1 चम्मच लिया है। और हमने यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारी कढ़ाई हल्की हल्की गर्म हो जाएगी तो उसमें हम सबसे पहले धनिया डालेंगे और इसे हल्का सा चलाएंगे। फिर हम क्या करते हैं कि जीरा डालेंगे, इन्हें बिल्कुल हल्का हल्का भुनना है। फिर ये लाल मिर्ची और काली मिर्ची डाल देंगे, इसे हम 1 मिनट तक ऐसे चलाएंगे धीमी आँच पर। जब इसका हल्का हल्का मॉइस्चर कम होने लगेगा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी अजवाइन है 1 चम्मच, इसे भी हम डाल देंगे। और जब ये हल्के हल्के इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम गैस को बंद कर देंगे। अब देखिए ये हल्के हल्का अपना कलर भी चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब इसे हम क्या करेंगे कि अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे। तो ये मसाले अब पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, इन्हें हम जार में डाल के पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हम जार में इन्हें डालेंगे और मसालों को भूनने से पहले अच्छे से सारे मसालों को साफ कर लेना है। अब इसमें हम हींग डालेंगे 1/2 चम्मच, नमक 1 चम्मच, सादा काला नमक 2 चम्मच। आप नमक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। खटाई 2 चम्मच और इन्हें हम पीस लेंगे। और ये धीरे से ढक्कन हटाने तो इसके जो डस्ट है यानी कि जो उसके बारीक वाले जो पाउडर है वो उड़ते हैं। अब इन्हें हम छान लेते हैं। ये हमारा मसाला बिल्कुल शुद्ध घर का बनके तैयार होगा और इसे बच्चे भी काफ़ी पसंद करेंगे। आप इन्हें चाट पे छिड़क के खा सकते हैं, फ्रूट्स में खा सकते हैं, रायते में, पुलाव में, आप किसी भी चीज़ पे आप इसको डाल के खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे और घर का शुद्ध बना हुआ। अब ये जो बच गया इसे भी हम पीस लेंगे। देखिए यह हम यहाँ पे इसको चाल लिए हैं, चालने के बाद ये हम आते हैं और ये जो इतना निकला है इसका मोटा वाला पाउडर, इसे हम फेंकेंगे नहीं। इसको क्या करेंगे, अगर हम कलौंजी बनाएंगे यानी कि भरवा किसी चीज़ का बनाते हैं तो उसमें हम इसका प्रयोग करेंगे, या फिर आलू की भुजिया बना रही हूँ, भिंडी की भुजिया, उसके ऊपर से इसको हल्का सा छिड़काव कर देंगे, आपके खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। तो इसको हम भी डब्बे में भर के रख लेंगे। तो इसे अब हम शीशी में भर लेते हैं। अब इसे हम शीशी में भर लेते हैं ताकि इसमें हवा ना लगे। आप इसे 6 से 7 महीने तक, आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में बना के रख सकते हैं। इसे शीशी में भर के रख दीजिए, फिर हमारा जो चाट मसाला वाला डब्बा आता है उसमें आप भर के डाइनिंग टेबल पे रख दें और आपकी जब इच्छा हो तब आप खाएं, फल के साथ, रायते के साथ, फ्रूट के साथ, जिस भी चीज़ के साथ, लस्सी में भी आप डाल के पी सकते हैं। तो अब आप भी बनाएं घर में चाट मसाला और अपने व्यंजनों का स्वाद बढ़ाएं। और अगर आपको हमारा यह चाट बनाने का रेसिपी पसंद आया हो तो ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।